नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 1962 के एशिया खेलों में फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल एट 1962 एशियन गेम्स। चलिए देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम का अतीत गौरव का रहा है। वह टीम जिसने 1950 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से भाग नहीं ले सकी। 12 साल बाद जकार्ता इंडोनेशिया में 1962 के एशिया खेलों में अपना दबदबा कायम रखा। 1962 के एशियाई खेलों के फाइनल में भारत की रहा। 1962 का चौथा एशियाई गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। इस एशियन गेम्स में फुटबॉल मैच 25 अगस्त 1962 से 4 सितंबर 1962 तक चला। फाइनल मैच जकार्ता के सीनियन मेन स्टेडियम में हुआ था। अब देख लेते हैं एशिया कप में फुटबॉल टीमों का फॉर्मेट। एशिया कप में फुटबॉल टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया था, ए और बी। प्रत्येक ग्रुप में से 2 टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचना था। पॉइंट के हिसाब से रैंकिंग दी गई थी। जो सबसे अधिक मैच जीता उसे सबसे अधिक पॉइंट्स होते। अगर किन्हीं 2 टीमों के पॉइंट्स बराबर होते तो गोल एवरेज निकाला जाता। अगर गोल एवरेज भी बराबर होता तो ड्रॉ निकाला जाता। अब देख लेते हैं ग्रुप ए में कौन कौन सी टीमें थी। ग्रुप ए में इंडोनेशिया, साउथ वियतनाम, मलाया और फिलीपींस थी। और ग्रुप बी में इंडिया, थाईलैंड, जापान और साउथ कोरिया थी। अब देख लेते हैं ग्रुप ए के मैचेस। 25 अगस्त 1962 को इंडोनेशिया और साउथ वियतनाम में मैच हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया ने साउथ वियतनाम को 1-0 से हराया था। 26 अगस्त को मलाया और फिलीपींस के बीच मैच हुआ था, जिसमें मलाया ने 15-1 से फिलीपींस को हराया था। 27 अगस्त को इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच मैच हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया ने फिलीपींस को 6-0 से हराया था। 28 अगस्त 1962 को इंडोनेशिया और मलाया के बीच मैच हुआ था, जिसमें मलाया ने 3-2 से इंडोनेशिया को हराया था। 29 अगस्त को साउथ वियतनाम और मलाया के बीच मैच हुआ था, जिसमें साउथ वियतनाम ने मलाया को 3-0 से हराया था। और 30 अगस्त को साउथ वियतनाम और फिलीपींस के बीच मैच हुआ था, जिसमें साउथ वियतनाम ने फिलीपींस को 6-0 से हराया था। अब पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं ग्रुप ए की। साउथ वियतनाम के 4 पॉइंट्स थे, मलाया के 4 पॉइंट्स थे, इंडोनेशिया के 4 पॉइंट्स थे, फिलीपींस के 0 पॉइंट्स थे। तो सबसे अधिक गोल एवरेज साउथ वियतनाम का था, क्योंकि 3 टीमों के पॉइंट्स बराबर थे, 4-4-4। तो सबसे अधिक गोल एवरेज साउथ वियतनाम का था, तो इसे टॉप रैंकिंग मिली थी। मलाया और इंडोनेशिया के गोल एवरेज बराबर था, तो ड्रॉ निकाला गया था दोनों के भी। तो यहाँ से मलाया ड्रॉ में इंडोनेशिया से जीत गया था। तो ग्रुप ए से साउथ वियतनाम और मलाया सेमीफाइनल में पहुंचे। ग्रुप बी के मैचेस देख लेते हैं। 25 अगस्त 1962 को जापान और थाईलैंड के बीच मैच हुआ था, जिसमें जापान ने थाईलैंड को 3-1 से हराया। 26 अगस्त को इंडिया और साउथ कोरिया के बीच मैच हुआ था, जिसमें साउथ कोरिया ने इंडिया को 2-0 से हराया था। 27 अगस्त को साउथ कोरिया और थाईलैंड के बीच मैच, जिसमें साउथ कोरिया ने थाईलैंड को 3-2 से हराया था। 28 अगस्त को थाईलैंड और इंडिया के बीच मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने थाईलैंड को 4-1 से हराया था। और इंडिया की साइड से 2 गोल बनर्जी ने किए थे, गोस्वामी ने 1 और बालाराम ने 1 गोल किया था। 29 अगस्त को इंडिया और जापान के बीच मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने 2-0 से जापान को हराया था, जिसमें बनर्जी और बालाराम ने 1-1 गोल किया था। और 30 अगस्त को साउथ कोरिया और जापान के बीच मैच हुआ था, जिसमें साउथ कोरिया ने जापान को 1-0 से हराया था। तो अब देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल। ग्रुप बी में साउथ कोरिया के 6 पॉइंट्स है, इंडिया के 4 पॉइंट्स है, जापान के 2 पॉइंट्स है, थाईलैंड के 0 पॉइंट्स। तो ग्रुप बी से साउथ कोरिया और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचे। दोनों सेमीफाइनल 1 सितंबर 1962 को हुए थे, जिसमें पहले सेमीफाइनल में इंडिया ने साउथ वियतनाम को 3-2 से हराया था। अब देख लेते हैं इंडिया की साइड से किस किसने गोल किए थे। चुन्नी गोस्वामी ने 13वें और 75वें मिनट में गोल किया था, और जरनैल सिंह ढिल्लन ने 41वें मिनट में गोल किया। तो इस सेमीफाइनल से इंडिया फाइनल में पहुंच गया था, और साथ वियतनाम ब्रॉन्ज मेडल के लिए नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गया था। दूसरे सेमीफाइनल में साउथ कोरिया ने मलाया को 2-1 से हराया था आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम, और यहां से साउथ कोरिया फाइनल में पहुंचा था, और मलाया ब्रॉन्ज मेडल के लिए नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गया था। देख लेते हैं थर्ड प्लेस के लिए मैच, जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए हुआ था।
यह मैच 3 सितंबर 1962 को खेला गया था, जिसमें मलाया ने साउथ वियतनाम को 4-1 से हराया था। इस प्रकार मलाया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और साउथ वियतनाम 4th पोजीशन में आया था। और फाइनल मैच जो गोल्ड मेडल के लिए हुआ था 4 सितंबर 1962 को हुआ था, और यह मैच सेनायन मेन स्टेडियम में खेला गया। और यह सेनायन मेन स्टेडियम अब गेलोरा बंकारो मेन स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इस मैच में इंडिया ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराया। अब देख लेते हैं इंडिया की साइड से किस किसने गोल किए थे। प्रदीप कुमार बनर्जी ने 17वें मिनट में गोल किया और जरनैल सिंह ढिल्लन ने 20वें मिनट में गोल किया। तो इस प्रकार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया और 1962 के एशियन गेम में फुटबॉल में इंडिया फर्स्ट पोजिशन में आया। अब देख लेते फाइनल स्टैंडिंग। इंडिया की फर्स्ट पोजिशन थी, साउथ कोरिया की सेकंड, मलाया की थर्ड, साउथ वियतनाम की फोर्थ, इंडोनेशिया की फिफ्थ, जापान की सिक्स्थ, थाईलैंड की सेवंथ, फिलीपींस की एट्थ। तो इस प्रकार 1962 के एशियंस गेम के फुटबॉल मैचों में इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और गोल्ड मेडल जीता था। धन्यवाद।